पहाड़ों पर तेरा डेरा वही लगता है जी मेरा, है मन में चाह बस इतनी के जाते हो तरसते। जय माता दी, आप सभी के लिए हम फिर से लेकर आ चुके हैं ताज़ा दृश्य की वीडियो और साथ ही साथ कई बड़ी अहम जानकारी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय कटरा रेलवे स्टेशन किस प्रकार का दिख रहा है। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेनें कटरा रेलवे स्टेशन पर नहीं जा रही हैं, तो ये आप मत सोचिएगा कि ट्रेन चालू हो चुका है। अगर हम बात करें वहाँ पर लोगों की, तो जो लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं उनको ट्रेनों के जरिए कटरा रेलवे स्टेशन से अलग अलग स्टेट में भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फीकापन आ चुका है कटरा रेलवे स्टेशन पर बिना यात्रियों के। अब हम आपको लेके चलते हैं माता रानी के भव्य त्रिकुट पर्वत को दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माता रानी का भव्य विशाल त्रिकुट पर्वत, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि माता रानी का भव्य सुंदर अर्थकुवारी मंदिर। देख सकते हैं कि कटरा से अर्थकुवारी मंदिर कैसा दिख रहा है। दोस्तों, जब हम कटरा में पहुंचते तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जन्नत में आ गए, क्योंकि वहां पर जो भी विशाल विशाल माता रानी के भव्य त्रिकुट पर्वत हैं और साथ ही साथ वहां पर जो घिरे हुए बादल हैं, उनसे हम लोग का मन, दिल, दिमाग सब कुछ बहुत ज्यादा अलग हो जाता है और हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। हमको जो दृश्य देखने को मिलता है वैसा दृश्य हमें कहीं और नहीं देखने को मिलता। तो आप देख सकते हैं कि इस समय माता रानी का भव्य विशाल त्रिकुट पर्वत कटरा से कैसा दिख रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं माता रानी के भवन में और साथ ही साथ माता रानी के भवन के भी दृश्य आप सभी माता के भक्तों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम आ चुके हैं माता रानी के भव्य विशाल त्रिकुट पर्वत के भवन में और साथ ही साथ माता रानी के भवन को एक तरीके से स्वर्ग ही कहा गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खूबसूरती, यहाँ पर जो रौनक आपको देखने को मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप देख लीजिए कि माता रानी के भवन पर बादल हैं, साथ ही साथ हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें बारिश की, तो हम अगर किसी भी मंथ में जाते हैं जनरली हमको बारिश देखने को मिलती है, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बादल हमेशा माता रानी के साथ माता रानी के त्रिकुट पर्वत पर ही रहते हैं, तो उनका जब भी मन चाहता है तो वो बारिश बनकर बरस जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर और सुखमय दर्शन आपको देखने को मिल रहा है आज की इस वीडियो से। ऐसे दर्शन को देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं और काफ़ी कम लोग ऐसे दर्शन को एंजॉय कर पाते हैं। तो आप देखिए माता रानी के भवन का लाइव दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। अब हम आप सभी लोगों को लेके चलते हैं और माता रानी का भव्य आज का सुंदर सुखमय दर्शन कराते हैं। तो आप सभी माता के भक्तों के सामने पेश है माता रानी का आज का सुंदर सुखमय भव्य पिंडी रूप पवित्र दर्शन। इस दर्शन को करने के लिए बहुत दूर से आते हैं, अपनी मन्नतों को मांगते हैं और साथ ही साथ माता रानी आप सभी लोगों को भव्य सुंदर दर्शन देती हैं और आपके सारे मन्नतों को पूरा करती हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा इस दर्शन से कि आप सभी लोगों की सारी मनोकामना पूरी करें और साथ ही साथ इस संसार में जो भी बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है इसे दूर करके हम सभी माता के भक्तों को इससे मुक्त करें और जल्द से अपने भवन के दरबार को खोले, जिसे हम सभी माता के भक्त माता रानी का विशाल सुंदर सुखमय दर्शन कर पाए। बढ़ते हैं आगे और लेके चलते हैं और आपको कई सारी नई नई इन्फॉर्मेशन कटरा से रिलेटेड बताते हैं। तो सबसे पहले बड़ी जानकारी की बात करते हैं। तो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ कटरा एक ऐसा शहर था जहाँ पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कोरोना के पॉजिटिव टेस्ट नहीं थे, लेकिन हम आपको बता दें कि फाइनली कटरा में भी एक पॉजिटिव केस आ चुका है। हालांकि जो व्यक्ति कटरा में पॉजिटिव पाया गया है वो कटरा का रहने वाला नहीं है, लेकिन वो वहां पर रेंट रूम लेकर रहता था और बेसिकली वो कहीं और से आया हुआ था, वो रेलवे का कर्मचारी था और उसी के पास से जो इसका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया रात को 2 बजे, तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव ने उस पॉजिटिव केस वाले व्यक्ति को तुरंत से क्वारंटाइन कर दिया गया और वहां के जो एरिया है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हालांकि हो सकता है कि इस पॉजिटिव केस से यात्रा पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, ये सिर्फ मैं अपनी ओपिनियन बात कर रहा हूँ। अगर बात करें दूसरी सबसे बड़ी अहम जानकारी की, तो आपको बता दें कि फाइनली जम्मू एंड कश्मीर में अर्थक्वेक को महसूस किया गया, भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसका जो ईपी सेंटर था वो कटरा था। बेसिकली इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब माता रानी की मेहरबानी है, लेकिन ऐसा जो है चीज़ें पाया गया है ये रात को कल 8 बजे हुआ और साथ ही साथ आज सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास भी एक बार झटके ऐसे देखे गए हैं। तो ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आपके सबसे बड़े प्रश्न की कि यात्रा कब शुरू होगा। इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको देना चाहूँगा, जब माता रानी की मर्जी होगी तभी उनकी यात्रा शुरू होगी, जब माता रानी चाहेंगी तभी यात्रा शुरू होगी। इसका सिंपल सा मोटिव आंसर है। अब आप इसे जो भी समझिए, क्योंकि हम आपको बहुत बारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर समझाएं, लेकिन आप बार
बार ये क्वेश्चन करते रहते हैं। देखिए आज मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि दोबारा ऐसे क्वेश्चन को मत पूछिएगा, हम आप सभी लोगों के लिए हैं। और जब भी यात्रा शुरू होगी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दें। हालांकि अगर डिले हो जाएगा उसके लिए भी हमें माफ़ करिएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जानकारी आपको दें कि यात्रा शुरू हो गई है। और यात्रा शुरू होगी तो जितनी खुशी आपको होगी उससे ज़्यादा खुशी हमें भी होगी, क्योंकि हम भी यही चाह रहे हैं कि माता रानी की यात्रा शुरू हो, आप सभी माता के भक्त माता रानी के भव्य विशाल दर्शन के लिए जाएं और उनका पवित्र सुंदर सुखमय दर्शन पाए। तो होपफुली अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं और अपने फीचर्स कमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने पेश है इनका कमेंट, बहुत ही सुंदर लगा मुझे और मुझे लगा कि इनका कमेंट अपने वीडियो में दिखाना चाहिए, तो आपके सामने इनका कमेंट शो हो रहा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ऐसा कमेंट हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में आता रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स से एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा अच्छा वाला, और अगर हमें अच्छा लगा तो हम अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके कमेंट को ज़रूर शो करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की, होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपका मन है आप जुड़ना चाहते हैं तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।